आज मैं एक वीडियो बनाएंगे जो लोगो होता है, लोगो यूट्यूब कोई भी चैनल हो उसका लोगो होता है, उस लोगो से मैं एक इंट्रो बना के दिखाऊंगा, एनिमेशन इंट्रो जो उछल कूद करते हैं, जो फॉन्ट होता है, अक्षर होता है, उछल कूद करते हैं, उसी तरह का एक इंट्रो, एनिमेशन इंट्रो बना के दिखाऊंगा कैमटेशिया स्टूडियो उसके द्वारा। इसके लिए आपको ये जो फॉन्ट होता है, इसका जो इमेज होता है, ये अलग अलग करके जेपीजी सेव करके ग्रीन स्क्रीन में जेपीजी सेव करके रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ को मैं अलग अलग करके ग्रीन स्क्रीन शॉट करके रखा हूँ। मेरे को जो जो चीज़ चाहिए सबको मैं अलग अलग जेपीजी फॉर्मेट में सेव करके रखा है। इधर इसको मैं लेके जाऊंगा कैमटेशिया स्टूडियो में। पहले मैं ये जो ताबा होता है इसको लेके आते लाइनर पे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते, थोड़ा जूम कर देते। अब ये ग्रीन स्किन जो है इसको हटाना है, इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा विजुअल इफेक्ट, यहाँ पर क्लिक करें, रिमूव कलर, रिमूव एंड कलर, इसको क्लिक करें, इसको राइट क्लिक करें, ऐड ए सिलेक्ट मीडिया, फिर यहाँ पर ये कलर, कलर का ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करिए, ये पेन को उठाए, एक ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करें, ये हट जाएगा। फिर इसको थोड़ा बढ़ा देते, इसका साइड में जो इफेक्ट है ग्रीन कलर का वो हट जाएगा। अब इसको एनिमेशन देते हैं, एनिमेशन पे जाते हैं, फिर यहाँ पर ही एनिमेशन में ये जो कस्टम है, कस्टम इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको दबा के खींच के इसके ऊपर लेके आना पड़ेगा, यहाँ पर रखे छोड़ दीजिए। अब ये काम नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पर आते ये जो ब्लैक पॉइंट है इसको खींच के थोड़ा नीचे लेके आते, ये इमेज को पूरा सीधा कर देते इस तरह से, फिर प्ले करके देखते हैं, ये गिर गया, ये थोड़ा स्लोली गिर रहा है, इसको मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा कम कर देते, ये स्पीड में गिरेगा, थोड़ा और स्पीड में गिरना होगा इसको, इसको थोड़ा और कम कर देते। अब सही है, गिरने के बाद इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये स्केल अप इसको उठा के यहाँ पर ला के छोड़ते हैं, फिर इसको यहाँ पर रखता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके इसको साइज में लेके आते हैं।
यही तक ठीक है, फिर इसको एक बार प्ले करके देखता हूँ। ये सही है, इसको थोड़ा स्पीड देना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम कर देते ये स्पीड में आ जाएगा। ये आ गया, अब इसके ऊपर डालेंगे मैं दूसरा जो रिंग होता है, ये रिंग, इसको उठा के इसके ऊपर वाला हिस्से में डाल देते, ये लाइन के ऊपर के लाइन में। इसका भी ग्रीन स्किन को हटाना पड़ेगा, वही विजुअल इफेक्ट, रिमूव कलर, राइट क्लिक, ऐड टू सिलेक्ट मीडिया, फिर वही पर जाना पड़ेगा, पेन को हटाना पड़ेगा, ये हट गया। फिर इसको भी सेटिंग करते हैं, इसको भी एनिमेशन देते हैं, इसको हम छोटा कर देंगे, 20 में लगा देंगे छोटा करके। इसको हम एनिमेशन देने के लिए फिर जाएंगे एनिमेशन पर, ये वाला, इसको उठा के इसके ऊपर डाल देंगे। अगर प्ले करके देखते हैं, इसको हम सेट करते हैं, इसके ये सर के ऊपर ये लाइनर को रखना पड़ेगा, फिर इसको हम सही जगह पे बैठाते हैं जहाँ तक इसको होना चाहिए। यह तक ठीक है, ये सेट हो गया। एक बार प्ले करके देखते हैं, ये ठीक है, इसको भी थोड़ा स्पीड देना पड़ेगा, इसके लिए इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर एक बार प्ले करके देखते हैं, ये झट से हो गया, अब ये सही है। फिर से जाएंगे मीडिया पे, आप उठाएंगे इसको, हम उठा के यहाँ तक लेके आएंगे, ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे, यहाँ पर सेट कर देते, फिर जाएंगे एनिमेशन पे, इसको उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, इसको उठा के इसके अंदर सेट करते हैं, यहाँ पर मैं सेट कर दिया। प्ले करके देखते हैं, आराम से आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते स्पीड में आ जाएगा। इसके ऊपर एक और एनिमेशन डालना है, जो कि ये जो अक्षर है ये घूमते घूमते नीचे आए, फिर जाएंगे एनिमेशन पे, फिर इसको कस्टम, इसको उठा के फिर इसके ऊपर फिर से लाना है, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर 360 डिग्री 360
360 डाल देंगे, ये घूमते घूमते आएगा नीचे। फिर इसको डिलीट कर देते हैं, इसके ऊपर एक और एनिमेशन डालेंगे, फिर से वही वाला, ये ऐसे खींच के हम यहाँ तक लाते हैं, थोड़ा गैप डालते हैं, फिर इसको फिर से यहाँ पर 360 डाल देते हैं। यहाँ आकर फिर भी फिर से एक बार घूमेगा, एक बार प्ले करके देखते हैं। इस तरह से दूसरा जो ये, इसको भी हम उठा के ले आएंगे इसके ऊपर। ये जो ये यहाँ पर रखेंगे इसको, इसका भी ग्रीन स्किन को हटाएंगे। इसको इस तरफ रखेंगे यहाँ तक, फिर जाएंगे एनिमेशन पे, इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आएंगे, इसको इसके अंदर सेट कर देते हैं। देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर से इसके ऊपर एक और एनिमेशन डालेंगे, वो ये कस्टम वाला। इसको भी हम यहाँ पर -360 डालेंगे, -360, ये उल्टा घूमेगा। फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं। फिर जाएंगे मीडिया पे, अब उठाएंगे ये हैक्स, इसको इसको उठा के इसके ऊपर, यहाँ पर डाल देते, ये जो लास्ट वाला एनिमेशन है इसके यहाँ पर इसके ऊपर। इसको बड़ा कर देते हैं, नीचे ले आते हैं, थोड़ा यहाँ पर रख देते हैं। फिर जाएंगे इसको बैकग्राउंड को, ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे, आप इसको एनिमेशन देंगे, फिर एनिमेशन में ये वाला फिर से स्क्रॉल डाउन
स्केल डाउन को उठा के इसके ऊपर लाके छोड़ते हैं। ये एनिमेशन के सिर के ऊपर लाइनर को लाएंगे, फिर इसको यहाँ पर कहाँ पर सेट होगा उसको हम सेट कर देते हैं। यह तक सेट कर देते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। फिर एक बार प्ले करके देखते हैं पहले से कैसे होते हैं। इसके ऊपर एक और एनिमेशन डालते हैं, ये वाला कस्टम। फिर इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये वाला इसमें 360 डाल देते हैं। ये भी पलट पलट के वहाँ तक जाएगा। इसके ऊपर एक बार और डाल देते हैं। वही वाला एनिमेशन को फिर एक बार इसमें ही 360 डाल देते हैं। डिलीट कर देते भी इसमें। अब हम इसको रेंडर करेंगे। कल फाइल ओके 1080 पिक्सल पर। इसको डेस्कटॉप पर रखते हैं। लोगो इंट्रो इसका हमें नाम देके इसको हम फिनिश कर देते हैं। इस तरह से होगा। अब इसके ऊपर म्यूज़िक डालना पड़ेगा। ये है मेरा फाइल। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना।
जय हिंद।